ये कामधेनु आयोग की जो ये संकल्प है ये अति शुभ है और आवश्यक भी है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। गौ की रक्षणा और गौ की तरियों को, देशी तरियों को, देशी गायों को संरक्षण करना है। 51 अलग अलग तरह के गाय है, इनको संरक्षण करना है, इनको बढ़ाना है और गोमूत्र से और गोमेद्य से और गाय के हर जो प्रोडक्ट्स है इससे जो एक देश का स्वास्थ्य और दुनिया का स्वास्थ्य हम बढ़ा सकते हैं, इस पर काम होना बहुत आवश्यक है। हजारों सालों से चली आ रही हमारी पद्धति जो गौ आधारित कृषि, गौ आधारित अर्थव्यवस्था को हमने नजरअंदाज कर दिया था। अब समय आ गया है हमें फिर इस पर प्रकाश डालने का और गायों को रक्षा करनी है। गौ रक्षा से न केवल एक आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होगी बल्कि भौतिक भी हमें बहुत इससे लाभ होने वाला है। गौ आधारित कृषि बहुत आवश्यक है। ऐसे ही आयुर्वेद और गौमूत्र से और दूध से, दही से, मक्खन से जो औषधियां बनती है इसका लाभ के प्रति दुनिया को वंचित नहीं रखना चाहिए। ये भारत की संपत्ति है। हजारों सालों से हम लोगों ने इसको लागू करते आए हैं मगर दुनिया इससे अनभिज्ञ है। अब लोग जानने लगे हैं, किसी को डिप्रेशन हो गया हो गाय के पास आ जाइए, गाय के साथ थोड़ा समय बिताइए तो न केवल शारीरिक रूप से बट मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक व्यक्ति की चेतना को गाय थामती है, ऊपर उठाती है। इसलिए गौ माता को हमें बहुत आदर पूर्वक देखना चाहिए, संरक्षण करनी चाहिए और इसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए। मैं फिर एक बार राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को बधाई देता हूँ और उनका काम ऐसे बढ़ते रहे और देश विदेशों में गाय आधारित